बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 42 ऑफ ग्रेड 9 फिजिक्स ऑन डेट 12/5/2020। होमवर्क नोट करें अपने साथ, लर्न इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स प्लस रिस्क एंड मोशन। क्या लर्न करें कि इंट्रोडक्शन टू काइनेमेटिक्स प्लस रिस्क एंड मोशन लर्न करें। अच्छा स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 41 याद है तो लेक्चर नंबर 41 पे हमने डिस्कशन किया था एक्सेलरेशन, इसके जो टाइप्स थे। एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या हमारे साथ वेलोसिटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेरिएशन आ रहे हैं तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आज हम इसी ही के बिना पे एग्जांपल 2.3 को सॉल्व करेंगे कि एग्जांपल 2.3 क्या है। एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, एक कार एक्सेलरेट हो रहा है। यू ऑब्जर्व दैट योर कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 140 किलोमीटर पर आवर। कि आपकी गाड़ी रेस्ट से, मीन कि जब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो थी, रेस्ट पे जब होता है तो उस वक्त तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि वो तो मोशन में नहीं होती, और वेलोसिटी हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवेबल फॉर्म है। तो मीन कि वो ये जो कार है वो रेस्ट से 140 किलोमीटर आवर तक एक्सेलरेट होती है कितने टाइम में, 17.6 सेकंड्स में। इसकी जो स्पीड है वो रिस्क सेविंग की 0 से 140 किलोमीटर पर आवर तक 17.6 सेकंड में बढ़ता है। ऑन स्ट्रेट रूट टुवर्ड ईस्ट, बिल्कुल सीधे रास्ते पे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ योर कार, आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो गिवन यहाँ क्या पे हमारे साथ कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई जीरो है, इसलिए कि ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, रेस्ट फॉर्म में, तो इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट है, और 0 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल टू 140 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द ईस्ट, और 38.88 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। टाइम क्या है, टाइम एलेप्स डेल टी इज इक्वल टू 17.6 सेकेंड। यहाँ इस वी एफ 140 किलोमीटर इज इक्वल टू 38.8 मीटर पर सेकेंड किस तरह आया है, यहाँ पे देखिए आप कि 140 किलोमीटर पर आवर हमारे साथ बराबर है कि इस किलो की जगह हम क्या लगाए, 10^3 इसकी वैल्यू लगाए, और 1 आवर की जगह क्या लगाए, 60 मिनट, और इसके साथ मल्टीप्लाइड बाई 60 सेकेंड्स। तो 140 किलो की जगह 10^3 मीटर डिवाइड बाय 60 मिनट प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, तो इससे हमारे साथ हो जाएगा 1,40,000 डिवाइड बाय 3600 सेकेंड्स। तो इस तरह इससे हमारे साथ ये 38.9 मीटर पर सेकेंड आ गया। अच्छा अब हमसे रिक्वायर्ड क्या है, एक्सेलरेशन ए, कि हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या है। जो गाड़ी रिस से 140 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी है तो उस का एक्सेलरेशन क्या है हमारे साथ। सो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इक्वेशन 2.7 गिव्स, यहाँ ये जो गाड़ी है एक्सेलरेट हो रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसके लिए हमारे साथ जो फार्मूला है एक्सेलरेशन के लिए वो डेल वी इन चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। तो अब एक्सेलरेशन हमारे साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल वी हमारे साथ बराबर है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल टी। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी एफ 38.9 है हमारे साथ मीटर पर सेकेंड, और वी आई 0 है मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय जो टोटल टाइम है इसके लिए वो 17.6 सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट। चूंकि यहाँ पे हमारे साथ जीरो है इसे जीरो माइनस हो जाए तो फिर हमारे साथ वही 38.9 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे साथ हो जाएगी 38.9 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ईस्ट डिवाइड बाय 17.6 सेकेंड्स। तो जब हम इस पे 38.9 डिवाइड बाय 17.6 कर दे तो इससे हमारे साथ 2.2 आ जाएगी,
और ये सेकंड आपस में मल्टीप्लाई होकर ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो इस तरह ये जो गाड़ी है एक्सलरेट हो रहा है टूवर्ड्स ईस्ट, वो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से एक्सलरेट हो रहा है। तो यह आपके साथ एक्सलरेशन की एक्सलरेशन हम किस तरह मालूम करेंगे, जो वेलासिटी में चेंज आ रहा है वही चेंज हम लेंगे, और जितने टाइम में ये आ रहा है वही टाइम हम लेंगे, तो उसी ही चेंज को डिवाइड बाय एलेप्स जो टाइम है उन्होंने लिया है उस पर डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से हमारे साथ एक्सेलरेशन हासिल हो जाएगी। अच्छा यहाँ इसमें देख एक्सटेंशन एक्सरसाइज 2.2, इन दिस एग्जाम्पल व्हेन द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स, जब ड्राइवर के ब्रेक लगाता है इन व्हाट डायरेक्शन विल बी द रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पॉइंट, अब किस डायरेक्शन में रिजल्टिंग एक्सेलरेशन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको याद है कि एक्सेलरेशन हमारे साथ तब पॉजिटिव होगा जब जिस डायरेक्शन में ये गाड़ी जा रही है और इसी ही डायरेक्शन में हमारे साथ इसकी जो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, मीन कि वो गाड़ी है वो स्पीड अप हो रहा है, तो फिर वहाँ पे हमारे साथ एक्सेलरेशन क्या होता है वो पॉजिटिव होती है। लेकिन जब यहाँ पे गाड़ी को ब्रेक अप्लाई हो जाता है तो उसकी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ गई, तो इस वजह से अब ये गाड़ी का एक्सेलरेशन हमारे साथ जब ये ब्रेक अप्लाई करता है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा सर असाइनमेंट भी 2.3 की तरफ 2.3 की तरफ ज़रा देखें, इंशाल्लाह जब रिटर्न वर्क करेंगे तो उसका पूरा डिटेल सोल्यूशन हम करेंगे। इफ द सेम एक्सपेरिमेंट यू टेक द रीडिंग ऑफ अ स्पीडोमीटर ऑफ द कार, अगर हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करेंगे और स्पीडोमीटर पे जो कार का स्पीड है वो हम नोट करें अपने साथ, एस 20 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, जब ये 4 सेकेंड में चलता है तो उसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होता है, और जब ये 9 सेकेंड पे पहुंच जाता है तो उसका स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर होता है, एंड 32 किलोमीटर पर आवर इन द 9 सेकेंड, मीन के 9 सेकेंड पे मीन के आफ्टर 5 सेकेंड इसका जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर पहुंच जाता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ योर कार इन दिस इंटरवल, तो अब आपका एक्सेलरेशन इसी ही वक्फे के दौरान क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल क्या है 32 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, सही, तो 32 पहले इसको आपने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इसी वी फाइनल को माइनस वी इनिशियल से आप करें, फिर इसके बाद ये वी टाइम टी फाइनल जो 9 सेकेंड है और ये टी इनिशियल है, तो टी एफ माइनस टी आई से करें तो ये 9 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड से आपके साथ 5 सेकेंड आ जाएगी, और इस तरह के ये जो आप वैल्यू इसको सेकेंड में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो उन्हीं के डिफरेंस को फिर डिवाइड करें, तो इससे आपके साथ ये एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी। अच्छा क्या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इज द मोमेंट ऑफ अर्थ कॉन्टिनेंट रिलेटिव टू ईच अदर, हमारे साथ ही जो अर्थ कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे के लिहाज से जा रहे हैं, दस अपेयरिंग टू ड्रिफ्ट अक्रॉस द ओशन बेड, और इस तरह हमारे साथ ये ड्रिफ्ट जो है वो अक्रॉस द ओशन ड्रिफ्ट वाक़ हो रहा है, द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दियर फॉर कॉन्टिनेंट मूव अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द जियोलॉजिकली स्लो रेट, हमारे साथ जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है वो अर्थ की जियोलॉजिकली मीन की जियोलॉजी के रेट के लिहाज से तकरीबन 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर और 1 to 10 मीटर पर सेंचुरी के लिहाज से मूव कर रहा है, मीन कॉन्टिनेंटल के जो प्लेट्स है कि हमारे साथ जिन प्लेट्स भी कॉन्टिनेंट प्लेट्स प्लेस है तो वही प्लेट्स जियोलॉजिकली जो रेट है उसके लिए वो तकरीबन 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर की मीन के वो आपके साथ ही कॉन्टिनेंट जो है वो 1 to 10 सेंटीमीटर पर ईयर एक दूसरे से दूर जाते हैं या 1 to 10 मीटर पर सेंचुरी के लिहाज से एक दूसरे से मूव करते हैं, दिस इज अबाउट द सेम स्पीड, ये तकरीबन इतनी ही स्पीड के बराबर है दैट द फिंगर नेल्स एंड द हेयर ग्रोज, या जो फिंगर नेल्स है या हेयर जो है जिस तरह बढ़ता है तो इस तरह ये कॉन्टिनेंट जो है वो एक दूसरे के लिहाज से मोशन करते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है इस टॉपिक 2.4, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन,
तो ग्राफ के लिहाज से आप स्टूडेंट ये बात याद रखिए कि ग्राफ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये हमारे साथ बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और बिल्कुल बहुत वाज ही इंफॉर्मेशन देती भी है। तो क्या है कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ग्राफ इज एन इफेक्टिव वे फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ हमारे साथ क्या है कि बिल्कुल एक बेहतर तरीक़ाकार है जो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करें। ग्राफ कंटेन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस, इसमें हमारे साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होते हैं एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और बिल्कुल एक ही जैसे फासिले पे, और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम टू शो रिलेशनशिप इन वेरियस क्वान्टिटीज कि क्या करें कि मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो करें। इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ इज एन इफेक्टिव टूल फॉर फिजिस्ट, कि हम जो भी चीज़ इन फॉर्म ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टूल साबित होता है। तो मीन कि ग्राफ जो है हमारे साथ वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज जब हम इसमें इंटरप्रेट करते हैं तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए एक इफेक्टिव रूल साबित होती है। अच्छा, क्या है स्लोप ग्राफ? स्लोप ऑफ ग्राफ हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारे साथ एक ग्राफ उन्होंने बनाई है कि इसमें ये परपेंडिकुलर लाइन ये है और ये इस तरह ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर लाइंस है, ये उन्होंने इस पे इसको हम एलॉन्ग एक्सिस कहते हैं और ये हमारे साथ एलॉन्ग वाई एक्सिस है। मीन ये जो पॉइंट उन्होंने लिए है ये मेरे साथ पॉइंट वाई वन, एलॉन्ग वाई एक्सिस इनिशियल पॉइंट ये है और वाई एफ फाइनल पॉइंट ये है। इस तरह ये मेरे साथ ये जो पॉइंट है एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये वाला पॉइंट इनिशियल पॉइंट है एलॉन्ग एक्सिस और ये फाइनल पॉइंट है। तो मीन कि पी इनिशियल और पी फाइनल इन दोनों के पॉइंट, मीन कि दोनों की इनिशियल पॉइंट के कम्बिनेशन से जो पॉइंट बनता है इसको हम भी पी इनिशियल पॉइंट कहेंगे, और जो दोनों एक्सिस के फाइनल पॉइंट से हमारे साथ जो पॉइंट बनता है तो उसको हम पोजीशन फाइनल कहेंगे। ये पोजीशन इनिशियल है और ये पोजीशन फाइनल है, या पॉइंट इनिशियल पॉइंट फाइनल। तो हम डेल वाई को किस तरह फाइंड करेंगे कि वाई एफ माइनस वाई आई, मीन की मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे या फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे, और इस तरह डेल एक्स भी हमारे साथ फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स हो जाएगा, या एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि स्लोप ऑफ अ ग्राफ, द स्लोप ऑफ अ ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाई हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। स्लोप ऑफ अ ग्राफ हमारे साथ बराबर होता है द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सेस डिवाइड बाई द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट एक्सेस। स्लोप ऑफ अ ग्राफ हमारे साथ बराबर है कि द रेशो बिटवीन द वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट एक्सेस आर द वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइड बाय द हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेट डिफरेंस, तो उसको हम स्लोप कहेंगे। मीन कि हमारे साथ जो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजिशन एंड इनिशियल पॉइंट ऑन वाई एक्सेस डिवाइड बाई द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एक्सेस एंड इनिशियल एक्सेस, तो उससे हमारे साथ जो वैल्यू हासिल होगी वो स्लोप ऑफ द ग्राफ होगी। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या है कि द स्लोप ऑफ अ ग्राफ मीन वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। स्लोप ऑफ अ ग्राफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज, इस तरह की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो हमारे साथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, और इसमें हम ग्लो जो स्लोप है वो इसी ही तरीके से फाइंड करेंगे कि पिक टू पॉइंट्स पी आई एंड पी एफ, कि हम किसी भी दो पॉइंट को पिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये पी इनिशियल है और ये पी फाइनल है। ये पी इनिशियल हमारे साथ वाई एक्सिस की इनिशियल पॉइंट और एक्सिस की इनिशियल पॉइंट से बना है, इस तरह जो पी फाइनल है वो वाई एक्सिस के फाइनल पॉइंट और एक्सिस के फाइनल पॉइंट से बना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट पी वन एक्स वन वाई वन एंड पी टू पी एफ एक्स एफ वाई एफ, कि आप क्या करें कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे एक्स आई का क्या वैल्यू है और वाई आई का क्या वैल्यू, इस तरह वाई एफ और
एक्स एफ दोनों को मालूम करें बाय ड्राविंग परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम बोथ पॉइंट्स। यहाँ पे हम इस ये जो एक्स आई है और एक्स एफ है इसकी वैल्यू हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इनिशियल पॉइंट से हम जो वैल्यू ड्रा करेंगे वो बिल्कुल हम परपेंडिकुलर एक्सिस पे गिराएंगे और इस तरह परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे। तो इससे हमारे साथ एक्स आई और वाई वाई आई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और जब हम फाइनल पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एलॉन्ग एक्स एक्सिस यहाँ पे जिस तरह और एलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इस तरह इससे हमारे साथ जो एक्स एफ और वाई एफ की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो पी इनिशियल जो है हमारे साथ वो कम्बिनेशन ऑफ एक्स आई और वाई आई है और पी एफ जो है हमारे साथ द कम्बिनेशन ऑफ एक्स एफ और वाई एफ है बाई ड्राविंग परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम परपेंडिकुलर ड्रा करें इसी ही पॉइंट से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप फिर हम क्या करेंगे कि डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, कि हम इन्हीं एक्स कोऑर्डिनेट के दरमियान जो पॉइंट के दरमियान डिफरेंस है वही हम मालूम करेंगे और इस तरह वाई कोऑर्डिनेट्स के दरमियान डिफरेंस को हम मालूम करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के दरमियान हमारे साथ जो डिफरेंस आ जाएगी वो एक्स एफ माइनस एक्स आई डेल एक्स, ये हो जाएगा कि ये जो डिफरेंस है एलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट में। और इस तरह वाई कोऑर्डिनेट में हमारे साथ जो डिफरेंस आ जाएगी डेल वाई इज इक्वल टू वाई एफ माइनस वाई आई। तो हमारे साथ जो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है या डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट, वो एक्स एफ माइनस एक्स आई एंड वाई कोऑर्डिनेट डेल वाई इज इक्वल टू वाई एफ माइनस वाई आई। अब हमने जो स्लोप का डिफिनेशन किया कि हमारे साथ स्लोप जो है वो बराबर है कि हम क्या करें कि डिफरेंस इन वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड बाई डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे हमने ये हमारे साथ जो डेल एक्स है वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस है और डेल वाई वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो हमने दोनों को फाइंड की है। अब हम क्या करेंगे इस डेल वाई को डेल एक्स पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह इससे हमारे साथ ये स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो डिवाइडिंग द डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स, ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंस आया है डेल वाई बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट में डिफरेंस आया है इसी पे डिवाइड करेंगे गिव्स स्लोप, हमें स्लोप देगा। मैथमेटिकल हम इसको इस तरह लिखेंगे कि स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई एफ माइनस वाई आई डिवाइड बाय एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो इस तरह हमें किसी भी ग्राफ का स्लोप उसी फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो स्लोप ऑफ अ ग्राफ हमारे साथ बराबर है कि द डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑन बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि हमारे साथ जो डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इससे हमारे साथ जो वैल्यू आएगी वो इस ग्राफ का स्लोप होगा। तो स्लोप हम किसे कहेंगे कि हमारे साथ स्लोप किसी भी ग्राफ की वो वैल्यू होगी जिसमें हम हमारे साथ जो वाई एक्सिस में जो चेंज आ गया है इनिशियल पोजीशन और फाइनल के दरमियान या जो डिफरेंस मौजूद है फाइनल और इनिशियल पोजीशन के दरमियान, तो उसी ही डिफरेंस को जब हम डिवाइड करें डिफरेंस एलॉन्ग एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे साथ जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो चेंज आया है या जो डिफरेंस है, तो उसी ही डिफरेंस पे जब हम डिवाइड करें मीन कि हमारे साथ जो डिफरेंस इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट एक्सिस को जब हम डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिवाइड करें तो इससे हमारे साथ स्लोप आ जाएगी। किसी भी ग्राफ का स्लोप हम इसी ही तरीके से फाइंड करेंगे। अच्छा कि हम क्या करेंगे कि इनिशियल पोजीशन और इनिशियल कोऑर्डिनेट एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम किस तरह मालूम करेंगे, तो हमने जो पॉइंट लिया है पी इनिशियल इससे हम एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इससे हमारे साथ जो एक्स आई है या एक्स इनिशियल है वो मालूम हो जाएगी और जब हम वाई पे ड्रा करेंगे तो इससे हमारे साथ वाई इनिशियल मालूम हो जाएगी।
और जब हम y फाइनल को मालूम करें, क्योंकि यहाँ हम डिफरेंस की बात करेंगे, तो डिफरेंस के लिए हमारे साथ दोनों पे दो दो पॉइंट्स होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि p फाइनल से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्सेस पर और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे y एक्सेस पर। तो इस तरह इससे हमारे साथ जो फाइनल पॉइंट्स ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो फाइंड हो जाएगी, और इस तरह फिर इसके दरमियान हम डिफरेंस लेंगे, तो फिर उसी ही वर्टिकल का जो डिफरेंस है वो हम डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल के डिफरेंस पे, और इस तरह इससे हमारे साथ स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइंड हो जाएगी।